Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न TCS के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर मिलेगा. तो इस सेट में मौजूद सभी 20 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइए. यदि आपको किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क मेजरमेंट मशीन अर्थिंग वायरिंग इल्यूमिनेशन फील्ड थ्योरी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराया है. यदि आप चाहें तो फुल एक्सप्लेनेशन वाले सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स को आप देख सकते हैं. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहता है कि द एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है किलोमीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन बी में गिवन है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन सी में गिवन है मीटर क्यूब पर मिनट और ऑप्शन डी में गिवन है मिलीमीटर क्यूब पर मिनट. यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है एयर डिलीवरी ऑफ फैन, तो इसका मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर स्वेप्ट आउट बाय अ फैन. ओके, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक मीटर पर मिनट में. शॉर्ट फॉर्म में आपको CMM भी लिखा हुआ मिल सकता है, जिसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट. तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए. ऑप्शन सी में गिवन है मीटर क्यूब पर मिनट, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2. यह कहता है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर BAD is what? और हमारे पास चार options given है. Option A में है 11113, Option B में है 1213, Option C में है 3416, Option D में है 2989. तो आपसे question में ये पूछा है कि एक hexadecimal number BAD को हमें convert करना है decimal number में. तो इसको हम कैसे convert करते हैं? इसको हम लिखेंगे b into 16 to the power 2 plus a into 16 to the power 1 plus d into 16 to the power 0. यहाँ पर a होगा 10, b होगा 11 और d होगा 13. तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर आएगा 2989, यानी कि ऑप्शन d विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. यह कहता है कि अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन द डैम्पर वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर, और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है कैरीज अ लोड करंट, ऑप्शन बी में कहता है डज नॉट कैरी एनी करंट, ऑप्शन सी में कहता है प्रोड्यूसेस अ करंट अपोजिट टू अ लोड करंट, ऑप्शन डी में कहता है कैरीज अ शॉर्ट सर्किट करंट. तो हमें बताना है कि अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन अल्टरनेटर के डैम्पर वाइंडिंग में कैसा करंट फ्लो करेगा. तो इसका आंसर होगा डज नॉट कैरी एनी करंट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. यह कहता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन क्रिटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है इट विल इंक्रीज, ऑप्शन बी में गिवन है इट विल डिक्रीज, ऑप्शन सी में गिवन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी में गिवन है इट विल रिमेन द सेम. तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट विल इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. यह कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिंबल्स डिजिट्स और कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन अ n बेस नंबर सिस्टम. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है n, ऑप्शन बी में गिवन है n माइनस 1, ऑप्शन सी में गिवन है n प्लस 1, ऑप्शन डी में गिवन है n माइनस 2. तो इसका करेक्ट आंसर होगा n, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6. यह कहता है कि मोर रिले इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है डायरेक्शनल रीस्ट्रेंड ओवर वोल्टेज रिले, ऑप्शन बी में गिवन है डायरेक्शनल रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ऑप्शन सी में गिवन है वोल्टेज कंट्रोल ओवर करंट रिले, ऑप्शन डी में गिवन है वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले. तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोर रिले इज अ वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7.
यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट ऑन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हेल्प्स टू फाइंड मोटर रेसिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर। ऑप्शन बी में गिवन है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हेल्प्स टू फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट विथ नॉर्मल वोल्टेज। ऑप्शन सी में गिवन है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हेल्प्स टू फाइंड फिक्स्ड लॉसेस। और ऑप्शन डी में गिवन है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हेल्प्स टू फाइंड शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर। तो इन चारों स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हेल्प्स टू फाइंड फिक्स्ड लॉसेस, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 10 डिग्री। ऑप्शन बी में गिवन है साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 60 डिग्री। ऑप्शन सी में गिवन है साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री। और ऑप्शन डी में गिवन है साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 30 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि एक थ्री फेज मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी कि KD कितना होगा, जबकि उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं 36, नंबर ऑफ पोल्स हैं 4 और उसकी वाइंडिंग सिंगल लेयर वाइंडिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD विल बी इक्वल टू साइन क्यू गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू इंटू साइन गामा बाय 2 होगा। यहाँ पर क्यू है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज और यहाँ पर गामा है स्लॉट एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री और इन इलेक्ट्रिकल रेडियन। गामा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है गामा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री। तो आप इन सब को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको आंसर आएगा KD विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन 10 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह कहता है कि इन द सर्किट शोन बिलो हाउ विल द वोल्टेज V1 एंड V2 चेंज व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। तो इस फिगर को देखिए आप, पहले से ये स्विच ओपन था जिसकी वजह से V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू कुछ रही होगी, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि जब हम इस स्विच को क्लोज्ड करते हैं तो स्विच के क्लोज होने के बाद V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आएगा कि स्विच को क्लोज होने के बाद V1 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और V2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यह कहता है कि द सीरीज फील्ड ऑफ अ शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है शंट करंट, ऑप्शन बी में गिवन है लोड करंट, ऑप्शन सी में गिवन है आर्मेचर करंट और ऑप्शन डी में गिवन है फील्ड करंट। तो हमें बताना है कि एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का सीरीज फील्ड किस करंट से एक्साइट होता है, यानी कि इसके सीरीज फील्ड में कौन सा करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से देखिए, दिस इज शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर, यहाँ का करंट होगा आर्मेचर करंट IA, ये है इस जनरेटर का शंट फील्ड और ये है इस जनरेटर का सीरीज फील्ड। शंट फील्ड में एक करंट जाएगा जो कि होगा ISH। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सीरीज फील्ड में कितना करंट फ्लो करेगा। सीरीज फील्ड का करंट होगा आर्मेचर करंट IA माइनस शंट करंट ISH और यही करंट जनरेटर से कनेक्टेड लोड से फ्लो करेगा। तो इस करंट को हम लोड करंट भी कहते हैं IL, यानी कि इसके सीरीज फील्ड में लोड करंट फ्लो करेगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए आप, ऑप्शन बी में गिवन है लोड करंट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर बोथ प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है पावर फैक्टर मीटर, ऑप्शन बी में है एनर्जी मीटर, ऑप्शन सी में है वॉट मीटर, ऑप्शन डी में है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यह कहता है कि फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर बिलो। और हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक साइनोसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म को ड्रॉ किया गया है और इस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है 40 वोल्ट। तो हमसे इसका मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, मीन स्क्वायर को आप रूट मीन स्क्वायर मत समझ लीजिएगा, क्योंकि आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर में से सिर्फ इसका रूट हटा दिया है और हमसे पूछा है मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसके लिए आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 40 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर आएगा 800, यानी कि इस वेवफॉर्म का मीन स्क्वायर वैल्यू 800 होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मीन स्क्वायर को पावर भी कहते हैं, तो पावर विल बी इक्वल टू आरएमएस स्क्वायर। तो चलिए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन डी में गिवन है 800, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि आप इस क्वेश्चन में मिस्टेक करके मीन स्क्वायर की जगह आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो ऑप्शन में सबसे पहले ही आपको आरएमएस वैल्यू भी गिवन मिलेगी, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर बायो सावर्ट लॉ। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन डीएल। ऑप्शन बी में गिवन है क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई। ऑप्शन सी में गिवन है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ऑप्शन डी में गिवन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ एल। तो इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बायो सावर्ट लॉ का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यह कहता है कि ट्रांसफॉर्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन बी में कहता है लो विस्कोसिटी, ऑप्शन सी में गिवन है हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ऑप्शन डी में गिवन है बोथ बी एंड सी, यानी कि लो विस्कोसिटी एंड हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह कहता है कि वैक्यूम क्लीनर इम्प्लॉयज डैश मोटर। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, ऑप्शन बी में गिवन है शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन सी में गिवन है सिंगल फेज सीरीज मोटर, और ऑप्शन डी में गिवन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल फेज सीरीज मोटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह कहता है कि अ थ्री फेज फोर पोल इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन थ्री फेज 50 साइकल्स पर सेकेंड सप्लाई। इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज 4% देन द रोटर स्पीड विल बी व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है 1440 आरपीएम, ऑप्शन बी में गिवन है 1550 आरपीएम, ऑप्शन सी में गिवन है 1500 आरपीएम, और ऑप्शन डी में गिवन है 720 आरपीएम। यहाँ पर सप्लाई के बारे में गिवन है 50 साइकिल पर सेकेंड सप्लाई, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज। ओके तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको आंसर आएगा रोटर स्पीड ऑफ दिस इंडक्शन मोटर विल बी 1440 आरपीएम, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग प्रीफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है कंसील कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन बी में गिवन है केसिंग कैपिंग वायरिंग, ऑप्शन सी में गिवन है बैटन वायरिंग, ऑप्शन डी में गिवन है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंसील कंड्यूट वायरिंग, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यह कहता है कि इन एडिशन टू द एक्चुअल रनिंग टाइम बिटवीन स्टॉप्स द स्पीड ऑफ ट्रेन
that is estimated taking into account the time of stop at a station is known as what speed. यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि दो स्टॉप के बीच में ट्रेन का जो रनिंग टाइम होता है उसके अलावा यदि हम उस ट्रेन के स्टॉपेज टाइम को भी कंसिडर करें तो इस टाइम को कंसिडर करने के बाद जो हमें टोटल टाइम मिलेगा उस टाइम को यूज करके हम कौन सी स्पीड फाइंड आउट करते हैं. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में कहता है एवरेज स्पीड, ऑप्शन बी में गिवन है शेड्यूल्ड स्पीड, ऑप्शन सी में गिवन है फ्री रनिंग स्पीड, ऑप्शन डी में कहता है नॉचिंग स्पीड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेड्यूल्ड स्पीड, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19. यह कहता है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है रिवर्स बायस्ड जेनर डायोड, ऑप्शन बी में गिवन है अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, ऑप्शन सी में गिवन है रिवर्स बायस्ड पीएन डायोड, ऑप्शन डी में गिवन है फॉरवर्ड बायस्ड पीएन डायोड. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज प्रेजेंट इन फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20. यह कहता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ 0 to 1 मिली एम्पियर मीटर टू मेजर द करंट इन द रेंज ऑफ 0 to 100 मिली एम्पियर इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर इज 100 ओम. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको आंसर आएगा कनेक्ट ए 1.01 ओम रेसिस्टर इन पैरेलल विद द मीटर. यहाँ पर हम पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यह मीटर आमीटर है. ओके तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.